नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। आज बात करेंगे दो राज्यों यानी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजों की। क्योंकि हमारा रीजनल चैनल है एमपी छत्तीसगढ़ का, लिहाजा इसे ऐसा मत समझिएगा कि हम बेगानी शादी के दीवाने अब्दुल्ला की तरह हो रहे हैं। हमारा भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राबता है इन नतीजों से। हरियाणा के सारे एग्जिट पोल बताते रह गए कि वहां सरकार कांग्रेस की बन रही है और वो भी भारी मार्जिन से, लेकिन जो नतीजे आए अब तक के परिणामों के अनुसार, कह रहा हूं मैं, अभी पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है। बीजेपी वहां बहुत इत्मीनान से सरकार बना रही। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए, वहां से जरूर कांग्रेस गठबंधन के लिए अच्छी खबर आई, लेकिन कांग्रेस के बूते पर नहीं थी। तो आज बात करेंगे इसी की और विश्लेषण भी करेंगे कि नतीजे क्या कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा और जाट बहुल इलाके में भी सेंध लगा ली। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती, इनमें 9 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में जीती हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी की तुलना में कम चुनावी रैलियां की और नतीजे भी बहुत कमजोर आए। सवाल आम आदमी पार्टी के गिरते ग्राफ पर भी। केजरीवाल की पार्टी ने पिछले चुनाव में 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अभी तक का जो सर्वोत्तम जानकारी है उसके मुताबिक उनका कैंडिडेट एक भी अभी तक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाया। जम्मू कश्मीर में जरूर नतीजे कांग्रेस को खुश करने वाले हैं, लेकिन उसमें उनकी भूमिका कम और नेशनल कॉन्फ्रेंस तक की ज्यादा रही। तो क्या हरियाणा में एन वक्त पर लीडरशिप बदलना, मौजूदा विधायकों की टिकट काटना बीजेपी की शानदार रणनीति रही? और साथ ही इस पर भी विमर्श करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां जहां हरियाणा गए वहां पार्टी ने कमोबेश सभी जगह बहुत ठीक परफॉर्म किया, यानी साबित किया डॉक्टर यादव ने खुद को भी। तो ऐसे बतेरे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रसमन सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक रिपोर्ट, देखिए। एक दिन पहले तक राजनीतिक पंडितों के दावों में हारती दिख रही बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी है। 52 साल में पहली बार किसी पार्टी ने लगातार 3 बार जीत कर सरकार बनाने का कमाल किया है। कमाल ये भी कि भाजपा ने पहली बार प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों के आंकड़े को छुआ है, यानी डबल रिकॉर्ड। एग्जिट पोल्स में यूं तो बीजेपी की संभावित हार की चर्चा खूब हुई, लेकिन अब जबकि मामला बिल्कुल उलट चुका है, बात हो रही है बीजेपी के जीत के कारणों की। इनमें सबसे बड़ा है सीएम फेस का बदल जाना। 2021 के बाद से बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी के इलाज के लिए रामबाण फॉर्मूला निकाला है, सीएम फेस रिप्लेसमेंट। चेहरों ने लाखों को लूटा हो न लूटा हो, लेकिन विरोधियों के वोट बैंक को लूट लेने वाला ये चेहरा फॉर्मूला हरियाणा चुनाव नतीजों के साथ 5वीं बार अपना फर्स्ट क्लास असर दिखा गया। कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो गुजरात में 2017 और फिर 2022 में, उत्तराखंड में 2022 चुनाव से पहले और त्रिपुरा में 2023 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने सीएम का चेहरा बदलकर कुछ ऐसा ही कमाल किया है। हालांकि इन नतीजों के पीछे आक्रामक चुनाव प्रचार भी एक बड़ा कारण है, जिसका तोड़ हर बार कांग्रेस के हाथ नहीं सूझ रहा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जिस तरह अपने हर इलेक्शन कैंपेनिंग में संगठनात्मक स्तर पर है तैयार हम टाइप की एकजुटता के साथ उतरती है, वो जीत का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। 40% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले प्रदेश में देश भर के टॉप प्रचारकों के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की चुनाव के आखिरी दिन तक जबरदस्त सक्रियता इसका बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि बीजेपी इस जीत के पीछे का कुछ और कारण बताती है। सीएम डॉक्टर यादव ने हरियाणा में पार्टी की शानदार जीत पर कहा कि असल में ये चुनाव कांग्रेस का था ही नहीं, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। वहीं बीडी शर्मा ने राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा ने कांग्रेस की जलेबी बना दी है। ये असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी एक बार, दो बार, तीन बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। किसी के बारे में हल्का बोलना नहीं, अपने काम को लेके आगे चलना, और ये लाइन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने सबने ज्वाइन की है कि हम सब मिलकर विकास की बात करते हैं और विकास की बात जनता पसंद करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर कमल खिलने जा रहा है। उनकी जलेबी बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी तो जलेबी फैक्ट्री में बना रहे थे, तो हरियाणा की जनता ने कहा कि राहुल गांधी जी ये जलेबी फैक्ट्री में तो नहीं बनती, लेकिन आपकी जलेबी हम जरूर बना देते हैं। तो हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की जलेबी बना दी। ये जो हरियाणा की जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, आज हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद देकर के ये तय कर दिया कि देश का विश्वास
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। भाजपा की जीत के कारणों में कांग्रेस की एक बड़ी गलती भी मानी जा रही है, ठीक वैसी ही जैसी मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनावों के दौरान हुई थी। तब कमलनाथ अति आत्मविश्वास में दिखे थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ लेने से मना कर दिया था। इस चुनाव में भी चर्चा इस बात की रही कि राहुल गांधी की सलाह के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आम आदमी पार्टी का साथ नहीं लिया। अगर ये हो जाता तो बढ़े हुए वोट शेयर के साथ कांग्रेस या तो हारती नहीं या फिर हार के अंतर को कुछ कम करने में जरूर सफल होती। हालांकि कांग्रेस अब बीजेपी की बराबरी करने की बात कैसे कह रही है वो भी सुन लीजिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो अमिट परिश्रम किया और जिस तरह से वहाँ पर वातावरण का निर्माण किया, उसके लिए और कड़ी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी के छल क्षेत्र के तंत्र को आगे नष्ट किया जाएगा। देश आज सत्य के साथ खड़ा होना चाहता है। जो प्रशासनिक, राजनीतिक और धनबल की बाधाएं हैं उनसे भी कैसे निपटा जाए, इस पर अब पार्टी को विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस के लिए हरियाणा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नतीजों के साथ थोड़ा गम गलत किया जा सकता है। यहाँ गठबंधन में ही सही नतीजे कांग्रेस के नाम रहे, लेकिन हरियाणा में 10 साल से गद्दी का इंतजार कर रही कांग्रेस को अभी 5 साल का वनवास और काटना होगा, ये तो तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे परिचय करा दूं जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं केदार सिरोही, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। केदार जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान है मंजरी जैन, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। मंजरी जी का बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान है मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का ही बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे केदार जी, सबसे पहले केदार जी क्या चल रहा है कांग्रेस में, क्या वजह है ये जो खुशी आपको मिली थी एग्जिट पोल में वो स्थायी नहीं रह पाई? सर वो क्रिकेट वाला ही हुआ कि T20 के मैच की तरह हम 16 ओवर तक तो बढ़िया छक्के चौके मारते रहे और इस लेवल पे ले जाके स्कोर खड़ा कर दिया कि हम लोग जीत रहे हैं। पर जब लास्ट के जो 3-4 ओवर आए उसमें हम लोग जो है हर बार की तरह हमारा जो मैनेजमेंट है वो मुझे लगता है कि थोड़ा कमजोर हुआ और उसी का परिणाम है कि जो जीती हुई जगह थी वो हम लोग हारे हैं। एक चीज क्लियर है सर कि इसमें कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के साथ जनता का बड़ा समर्थन है, ये हरियाणा में देखने को मिला। दोनों के पास वोट शेयर बराबर है। बस हमारा जो केडर है वो केडर पर अगर सही तरीके से काम किया होता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से हम बिनिंग ले आते। जो अभी आपने अलग अलग क्षेत्रों की बात कही, जाट वर्सेस नॉन जाट की भी कही, मैं वहां के आंदोलनों से काफी करीब से जुड़ा रहा हूँ। देखिए सर, चौटालाओं ने किसानों के साथ सही काम नहीं किया, जमानतें जब्त कर दी। धनखड़ हो, दलाल हो, जो उनके कृषि मंत्री थे JP दलाल हो, बाकी जितने भी इनके बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, इनको भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन के सामने खड़ा किया बोलने के लिए किसानों के खिलाफ, तो उनके सबके पतिये उलाल कर दिए सर किसानों ने। जो किसानी वाला बेंच था वो तो बहुत ही तगड़े से भाजपा को उसने अपना ताकत दिखाया। जो सबसे बड़ा एक बेल्ट आता अहिरवाद करके जो बेल्ट है जहां पर मुख्यमंत्री जी भी गए थे, वहां कांग्रेस ने जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाई, वहां पर निराशा रही। वो सी सीटें जो है जो छोटे मैनेजमेंट के साथ में कमजोर हुई है। और ये बात ठीक है कि कांग्रेस के लोग जो 10 साल के बाद में ऐसा माहौल देख रहे थे तो उत्साह में ज्यादा आ गए थे। जो वर्किंग करनी चाहिए थी वो वर्किंग में कहीं ना कहीं लास्ट 2 दिन में चूके। ये हर बार कांग्रेस के साथ लास्ट 2 दिन जो भाजपा चुनाव लड़ती है तो आप भी, लेकिन कब तक आऊंगा कब तक, मतलब मान लो फिर मेन एग्जाम हो ही जाएगा तो फिर बचा क्या समीक्षा के लिए? एक बार आऊंगा। मंजरी जी को इन करता हूँ। मंजरी बधाई सबसे पहले आपको, तो क्योंकि ये लग रहा था कि गया आपके हाथ से हरियाणा, वो आ गया वापस। क्या किसको श्रेय देना चाहेंगे आप इस जीत का? देखिए सबसे पहली बात तो लोकतंत्र के मंदिर में जनता ही भगवान होती है, तो सबसे पहला श्रेय जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा, हमारे जो नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही, विकास की इमारत लिखी जा रही है, सशक्त जो है निर्णय लिए जा रहे हैं और उन पर काम किया जा रहा है, जो संकल्प लिए जा रहे हैं उन पर काम किया जाता है, तो इसलिए जनता को भरोसा है। दूसरा, हमारे रणनीतिकार अमित शाह जी और हमारे JP नड्डा जी का नेतृत्व, सबने मिलकर काम किया और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में
कार्यकर्ताओं ने जो अपने परिश्रम की पराकाष्ठा की वो सब मिलाकर आज ये रिजल्ट जो है वो सामने है। जनता ने कांग्रेस ने बहुत कोशिश की नैरेटिव झूठे नैरेटिव गढ़ने के लिए, उनको बिल्डअप करने के लिए, किसान जवान पहलवान और जाने क्या क्या, लेकिन जनता ने भरोसा नहीं किया क्योंकि जनता ने देखा है कि इनके पास के ही राज्य में हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ले तो वहां किस तरह झूठ बोलकर ये सत्ता में आया और अब वहां स्थिति ये कि तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। वहां कहते थे कि हम बिजली फ्री देंगे लेकिन आप टॉयलेट टैक्स लगा रहे हैं। तो ये जनता देखती है कि भारतीय जनता ठीक है। मंजरी जी रोकूंगा आपको, आप दर्शकों को एक बात हम जरूर दिखा रहे थे, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये सब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ताजी तस्वीरें हैं जो बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार कोई अपडेट होगा तो हम बताते जाएंगे। एक विंडो हम आपको जरूर लगातार ये दिखाते हैं, एकमात्र विंडो मैं पीसीआर से कहूंगा कि वही दिखाएं जो अभी जिसमें प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। मृगन जी को इन करता हूं, मृगन जी आपकी नजर में क्या बीजेपी को फायदा पहुंचा गया और क्या कांग्रेस को नुकसान? देखिए इस चुनाव परिणाम ने कांग्रेस को बता दिया कि आप अंतिम ओवर में फेल हो जाते हो। अभी उनके प्रवक्ता जी यही बोल रहे थे कि लगातार हार रही है कांग्रेस और शुरू में बहुत अच्छा दिखता है, लास्ट में दो तीन दिन में मैनेजमेंट फेल हो जाता है। देखिए इस मामले में कहीं ना कहीं कांग्रेस को गहराई से विचार करने की जरूरत है। एक तो कांग्रेस में इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में लोग आ जाते हैं कि चुनाव हुआ नहीं या चुनाव मतदान हुआ नहीं उसके पहले ही बनते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फला मंत्री बन जाएंगे, एमपी में भी पोर्टफोलियो बनने लगे जाएंगे, सब इसमें लग जाते पोर्टफोलियो, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि हम चुनाव लड़ना है, मतलब वो हमें करना कुछ नहीं है, जनता अपने आप हमें दे देगी तो उसके बाद हम आकर सत्ता संभाल लेंगे और मुख्यमंत्री मंत्री बन जाएंगे। ये जो कांग्रेस की है यही कारण लगातार, और फिर कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व का लगातार अभाव हो रहा। जैसे आपने देखा होगा मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने जो चाहा हुआ, उनके लोगों ने जिसको चाहा टिकट दिया, जिसको चाहे टिकट नहीं दिया, ये जो स्थिति है वो लगातार बनती जा रही है। ऐसे हरियाणा में देख लीजिए, शैलजा और हुड्डा के बीच का विवाद तो बड़ा सड़कों पर नुमाया हुआ था एक तरह से, शैलजा हुड्डा का विवाद अलग हुआ, इसके कारण रणदीप सुरजेवाला भी चाह रहे थे मुख्यमंत्री बनने की। तो ये जो आपस में एक दूसरे के निपटाने की कांग्रेस की राजनीति है ये इन पे सबसे ज्यादा भारी पड़ रही है। अब दूसरी जो सबसे बड़ी कांग्रेस की है, कांग्रेस ने अगर एक बार टिकट दे दिया जीत गया तो लगातार टिकट देती रहती, भारतीय जनता पार्टी देखिए हर बार 40-50% टिकट देती। अगर मध्यप्रदेश के चुनाव परिणाम उठा के देखें, ये देख लीजिए पिछली बार कांग्रेस के जीते थे विधायक वो कितना इस बार जीते हैं, लगातार जीत रहे थे। ये सब चीजें जो कांग्रेस की लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। दूसरा संगठन, तो कांग्रेस संगठन नाम की चीज नहीं है, संगठन किसको, कांग्रेस के जो दिक्कत ये है कि जो नेता जमीन से जुड़ा है जनता के बीच है उसकी यहाँ पूछ नहीं होती है, हवा हवाई नेताओं को पद दिए जाते हैं और लगातार घूमते रहते हैं। आप देख लीजिए यहाँ किसको जो पद दिए गए, आप उठा के देख लीजिए इसमें कितने चुनाव जीते हैं कितने हारे हुए लोग, आखिर जो चुनाव जीतते हैं जनता के बीच आप उनका क्यों सम्मान नहीं करते हैं? या कोई भी चुनाव जीत के आए, छोटा से छोटा अगर चुनाव जीत के कोई आता है तो 100, 200, 400 के तो वोट का मालिक होता है। आप उठा के देख लीजिए कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हैं इतने कितने चुनाव जीत के आए हैं, बड़े बड़े पद महामंत्री बन जाते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं, वो कभी चुनाव जीतते नहीं, कभी चुनाव लड़े ही नहीं, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए। ये जो कांग्रेस की नीति है इसी कारण लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही, और हमेशा चुनाव परिणाम जो आते हैं तो कांग्रेस के विरोध में चले जाते हैं और कहा जाता है कि इस पर फिर विचार किया जाएगा, नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। भाई समीक्षा किस बात की, ठीक बात, केदार जी को इन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। केदार जी, मृगन जी की बात का थोड़ा थोड़ा मैं जल्दी से सवालों की शक्ल में तर्जुमा करके आपकी तरफ आता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में ठीक ठीक कर लिया, वो भी कर लिया गठबंधन के सहयोगियों के बूते, तो इतना मतलब बलून आप लोगों का फूल गया कि आपको लगा कि हाँ भाई अब तो हम बाय डिफॉल्ट जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, पब्लिक के मन में असंतोष है, ये हर राज्यों के चुनाव में भी निपटा देगी, आपको नहीं लगता? बड़ा अलार्मिंग है, और खासतौर पर लीडरशिप को लेकर, जैसे मृगन जी ने जिक्र किया कि भाई आपके नेता राहुल गांधी वैसे नहीं दिखते जिस तरह से बीजेपी के लीडर दिखते हैं। देखिए लीडरशिप हमारे यहाँ अच्छी है, लीडरशिप का कनेक्शन जो है वो जनता से ठीक है, पर बीच का जो स्ट्रक्चर और ढांचा है वो हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत है। जैसा मृगेंद्र साहब ने कहा, हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की जरूरत है, एक स्ट्रक्चर
जो संगठन है वो बनाने की जरूरत है, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि कॉपरेटिव लीडरशिप। देखिए पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी ताकत है कॉपरेटिव लीडरशिप की। जितना ज्यादा आप कॉपरेटिव लीडरशिप रखेंगे, जितना डिसीजन मेकिंग में कॉपरेटिव रखेंगे एक दूसरे के साथ, मुझे लगता है उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। जहां सिंगल लीडरशिप के दम पे डिसीजन होते हैं, वहां कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों ने देखा है, इस पर पार्टी जरूर विचार करे। ठीक है मंजरी जी, विन करते मंजरी, ये जादू जो है मोदी मैजिक, ये J&K में क्यों नहीं चला? मतलब अभी तक का जो नतीजा है वो बता रहा है कि 29 सीटें हैं आपके पास, वो पिछली बार की तुलना में सिर्फ 4 बढ़ी हैं। देखिए कश्मीर में भी ऐसा कोई हमारा प्रदर्शन खराब नहीं रहा, कार्यकर्ताओं ने वहां पूरी भरपूर मेहनत की है, और कश्मीर में जो बदलाव की इबारत जो नींव रखी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और वो आगे भी जारी रहेगी। जिस तरह से वहां धारा 370 हटाई गई, 35A हटाया गया, पत्थरबाजी रोकी गई, वहां के बच्चे आज पढ़ने की तरफ शिक्षा की तरफ मुड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक बदलाव है। लेकिन ठीक है, आज अगर किसी कारणवश पूरा अगर कांग्रेस भी बहुत पीछे रही, कांग्रेस को बहुत अच्छा जनता का समर्थन नहीं मिल गया है, वहां क्षेत्रीय पार्टी को समर्थन मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो मैं समझती हूँ कि कांग्रेस तो वहां भी फैल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और वहां के कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की है। आगे हम और अच्छा क्या कर सकते हैं कश्मीर के विकास के लिए, कश्मीर की जनता के लिए, वो सतत जारी रहेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और आगे हम और अच्छे से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं, जनता का विश्वास कैसे हासिल कर सकते हैं, उस पर भी हमेशा से देखिए, हम तो जब जीतते हैं तब भी आत्मविश्लेषण करते हैं, हारते हैं तो उसका तो आत्मविश्लेषण हो गई, तो जो भी सामने आएगी चीजें उनको दुरुस्त किया जाएगा। केदार जी, किसी भी तरह के मतलब कितना भी छोटा संस्थान हो, किसी भी तरह का, अगर वो संस्थान ठीक ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है और लगातार नहीं कर रहा है, तो लीडरशिप पर सवाल होते हैं। मतलब उनकी राहुल गांधी की ग्राहता के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए इस तरह से पोजीशन होगी, आप J&K को लेकर भले ही खुश हो रहे हों या ताली बजा रहे हों, लेकिन 6 सीटें हैं आपकी और 42 के आसपास तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, मतलब वहां भी आप नहीं के बराबर हो। लोकसभा चुनाव में भी आपने कोई ऐसा कमाल नहीं किया कि आप अकेले सिंगल लार्जेस्ट विपक्ष बन के और ऐसे उभरे हो कि भाई बिल्कुल धूल चटा दी हो आपने इनको, तो आपको नहीं लगता कि अब पुनर्विचार करने की जरूरत है, कोई किसी सामूहिक नेतृत्व की तरफ जाना चाहिए पार्टी को? देखिए सर, इसमें बहुत लंबी कैटेगराइजेशन क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर। अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल लेवल पे राहुल जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसको हम लोग नकार नहीं सकते। उन्होंने जितने एफर्ट किए, उन्होंने जितने मुद्दे को सामने लाया है, जिस तरीके से वो एक्टिव है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को मजबूती मिल रही है। ये सामने ये बात हमारे लिए बड़ा चैलेंज। लेकिन स्पीड कम है सर, स्पीड कम है ना? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, वो उसका जो माइक्रो मैनेजमेंट है, उसके जो तंत्र है, जो उसके सिस्टम है, उससे हमको कॉम्पीट करने के लिए हमारे को अपनी ताकत को दुगना करना पड़ेगा। हम लोगों को ज्यादा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत सी चीजों में हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत कमजोर है, जैसे कि पैसे में है, दूसरे सिस्टम में है, तो उसकी जगह हम लोगों को फील्ड पे मेहनत करने की जरूरत है। आपने ईवीएम का जिक्र नहीं किया, बड़े कांग्रेसियों की तरह। मृगन जी को इन करते हैं, मृगन जी, राहुल गांधी की ग्राहता अब आपको कितनी नजर आती है? मतलब ये इन्होंने स्वीकारा कि भाई माइक्रो मैनेजमेंट या उस तरह का नहीं है हमारा ग्राउंड में, इस वजह से हो रही। लेकिन मैंने इनसे सवाल किया था तब शायद कुछ तकनीकी दिक्कत से आप तक नहीं पहुंच पाया होगा, कि कोई भी संस्थान यदि फेल होता है तो लीडरशिप पर सवाल होता है, चाहे कितना ही छोटा संस्थान हो। हमारा चैनल भी ठीक नहीं कर पाएगा तो हम पे सवाल होंगे, आपका नहीं कर पाएगा तो आप पे सवाल होंगे। इतने बड़ा संगठन अगर लगातार फेल हो रहा है तो क्या सवाल नहीं उठने चाहिए राहुल गांधी पर? नहीं, देखिए निश्चित रूप से सवाल उठना चाहिए, और जो कांग्रेस में दिक्कत है वही है, सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है। वहाँ सिंगल मैन अगर कोई फैसला करेगा तो यही स्थिति बनेगी कि चाहे किसी को अध्यक्ष बना खड़ा कर दो लेकिन चलना किसका, ये जो दिक्कत है वही दिक्कत आ रही। आप देखिए कांग्रेस कितनी अच्छा काम कर रही है, मध्य प्रदेश में कितने महीने हो गए प्रदेश अध्यक्ष बने, कार्यकारिणी नहीं बन पा रही, कहीं ना कहीं कुछ विवाद होगा ना। ये अब छोटे छोटे विवाद नहीं निपटा पा रहे हो कार्यकारिणी, क्योंकि हाई कमान का किसी का डर नहीं, जिसको जो मर्जी है कर रहा। जब तक जिसको भी हाई कमान का डंडा होना चाहिए, हाई कमान का डर होना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं कितना भी करें चुनाव समय, अब फिर वापस आ जाते हैं, अभी फिर लोग गए हैं फिर चुनाव समय वापस आ जाएंगे।
ये जो कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस जो अपने कार्यकर्ताओं को सही बात पहचान ही नहीं पा रही। जो असली कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से लगातार दूर, वो घर बैठ गए हैं, क्योंकि जो नए नए लोग आ जाते हैं उनको पद दे देती है, वो घूमते रहते हैं नेताओं को जिनके पास पैसा। वास्तव में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस का संगठन क्यों कमजोर होगा, क्यों मजबूत कैसे होगा, कमजोर लगातार हुआ। कांग्रेस में एक सेवा दल नाम का संगठन होता जो खत्म कर दिया, जो काम जो मृत प्राय है अभी इस समय एक तरह से। अब आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के अधिकतर जो नेता है ना पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। एक बार मंजरी जी साल गायब रहेंगे चुनाव जब छह महीने। जी जी जी, मंजरी जलेबी खा रही थी आज आपने कि नहीं? सबसे पहले जो विषय भी हमारा आज का यही है, और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि जो एन वक्त पर दनादन डिसीजन लिए, सीएम बदलने वाले या ये बदलने वाले, बहुत सारे विधायकों की टिकट काटी, मृगेंद्र जी जिसका जिक्र भी कर रहे थे, तो क्या ये सब आपके पक्ष में चला गया? जो एंटी इनकम्बेंसी सवार हो रही थी आपके माथे में, उसे ही दूर कर दिया, यही वजह थी क्या? देखिए, जो नेतृत्व करता है कुशल अपनी नेतृत्व क्षमता से वो निर्णय लेते हैं, और निश्चित तौर पर जो पार्टी के पक्ष में हो सकता था वो उन्होंने निर्णय लिए। अगर किसी के टिकट बदलना थे तो बदलने का काम किया, किसी को टिकट देना था जो वहां पात्र था जीत सकता था उसको टिकट दिए। देखिए, जनता में जिसकी स्वीकार्यता होगी पार्टी उस पर पूरा भरोसा करके टिकट देती है, और वह देखिए परिणाम भी सामने है। दूसरी बात, केदार जी वह सहजता से सब चीजें स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन केदार जी से मैं थोड़ा सा ये जरूर कहना चाहूंगी कि आपके बड़े नेता जो वरिष्ठ नेता वो ये स्वीकार नहीं करते। अभी दूसरे चैनल पे भी मैं डिबेट पे थी तो वो ईवीएम और छल कपट और दल बल की राजनीति से चुनाव जीत लिए, तो इस तरीके के जो बातें करते हैं मुझे लगता है कि अगर आपको कमान दे दे तो ज्यादा अच्छा है, आप अच्छे से संगठन को खड़ा कर सकेंगे, क्योंकि आपके संगठन करता तो मानना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की पूजा में लगे हुए हैं, और मैं समझती हूँ वो असफल हो चुके हैं, उनका फेलियर है ये राहुल गांधी का, सीधे तौर से कहा जाए तो। जनता ये देख रही है कि आप किस तरह से विदेश में जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और जनता ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल देखा, वहां के सेवा सुशासन और सुरक्षा को देखा, किसान कल्याण के लिए जो अद्वितीय कार्य किए जनता जनार्दन की प्रत्यक्ष दर्शी थी, और उसी का विश्वास जो है केदार जी को इनकर लेते। केदार जी, आप कह रहे हैं कि इनका बहुत माइक्रो मैनेजमेंट और ये सब चीजें वहां के नेता। अब मोहन यादव गए जहां जिस अहिरवाल बेल्ट का भी आप जिक्र कर रहे थे, और भी कुछ जगह मैंने डेटा निकाला है, जहां वो गए वहां कैसे पार्टी ने परफॉर्म किया, तो बाहरी आदमी है वो, तो हरियाणा के लिहाज से एमपी से गए वहां भी प्रभाव दिख गया, तो आप ये तो मानेंगे कि इनके नेता भी तो दमदार है भाई, जाते हैं तो असर दिखाते हैं। देखिए सर, भारत में जाति का फैक्टर पहले हजारों साल पहले भी था और हजारों साल तक रहेगा। इस चुनाव में आपने भी चलाया था, बहुत फर्क है। मैं कह रहा हूँ सर, आप हम कोई नहीं बच सकते हैं, और कोई बोलता भी है तो झूठ बोलता है। एक तो हमारे एक लीडर भी है, उन्होंने पीछे का नाम बदल लिया, पर वो जाके देखो तो वो अपने समाज में ही बैठते हैं, तो वो ये भारत की उसमें ब्लड में है, तो ये तो रहेगा। उसका फायदा भी मिलता है, उसका नुकसान भी मिलता है, दोनों चीजें हैं। तो जहाँ फायदा देश ले सकते हैं वहाँ ले लेती है पार्टियां, जहाँ नुकसान उठाना होता है वहाँ नुकसान भी उठाया जाता है, वो दोनों है। पर बहुत सी जगह सही तरीके से मैनेजमेंट किया गया तो कास्ट बेसिस पे वोट पड़ते हैं, तो टिकटें कास्ट बेसिस पे दी जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या मोहन यादव जी ही सबसे बेस्ट थे? नहीं, ओबीसी थे, उनको अलग तरीके से उनको बना के उनके फॉर्मेट में लेके आए, इसलिए उनको जगह दे दी। तो तमाम जगह बातें आती है बैलेंस करने की, जाति को, समाज को। अच्छा ये बताइए, केदार जी एक सप्लीमेंट्री फिर जाऊंगा मृगेंद्र जी के पास, तो आप एनजीओ नहीं हो ना साहब, तो आपको ये सब करने से किसने रोका? मतलब फाइनल आप भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपको भी ऐसे ही नतीजे ऐसी मार्कशीट लानी है जैसे ये लोग ला रहे हैं, तो करिए आप भी ये सब। नहीं किया सर, देखिए किया, पर हमारा जो देखिए सवाल यही है ना कि जो हमने बाल डाली उसकी स्पीड 98 रही, उनकी बाल जो थी 100 से चली गई, थोड़ा सा जहां हमने बाल डाली वहां पर स्विंग हो गई थी, तो बात तो थोड़ा सा उतना अंतर है। सारी पार्टियां एक ही जैसे उस पर चलती है, कुछ रोड में पेज जैसा होता है। मैंने तो दोनों पार्टियों के चुनाव को बड़ी बारीकी से देखा। आऊंगा मंजरी, आऊंगा पहले मृगेंद्र जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से गया नहीं, मृगेंद्र जी के पास जाता हूं। मृगेंद्र जी, केजरीवाल की बात कर लेते हैं, पिछली बार 46 सीटों पर लड़े थे, नहीं हुआ, इस बार तो बिल्कुल पहुंच गए 90 के करीब, 89 के आसपास लड़े, बहुत सारी जगह और शायद अधिकतम पूरी जगह जमानत जब्त हो गई, तो क्या मान के चले अब आम आदमी पार्टी का भी जादू चुक रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने माहौल बनाया था लगा था कि कुछ कर जाएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का था जादू
उनको हरियाणा से बहुत उम्मीद थी क्योंकि दिल्ली से लगा हुआ है बिल्कुल, लेकिन रिजल्ट जो है सबके सामने है। अब आम आदमी पार्टी या जेई और जो पार्टियां वोट कटुआ पार्टी हो गई हैं, इसके कारण ही कांग्रेस को लगातार नुकसान हो रहा है। अगर कांग्रेस के नेता अपने इतने अहम में नहीं रहते कि नहीं नहीं मैं किसी समझौता नहीं करूंगा, और समझौता करते, कुछ पार्टियों को टिकट देते, कुछ बांट लेते, चाहे अपन उसकी बात करें आम आदमी पार्टी और जो छोटे छोटे दल हैं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमजोर होती छोटी, उत्तर प्रदेश में देखिए भाजपा ने कितने छोटे छोटे दलों से समझौता किया है, महाराष्ट्र में देख लीजिए वहाँ या और किसी स्टेट में उठा, बहुत छोटे छोटे दलों से करती है ताकि वोट ना कटे और पार्टी सत्ता में आ सके। कांग्रेस में तो ऐसा है ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि अरे मैं सबसे बड़ा, मैं जो चाहूंगा करूंगा, यही पार्टी को लगातार डुबो रही है। जब तक इस पर विचार नहीं किया जाएगा कि हमारे जो वोट काटने वाले लोग हैं उनको कैसे अपने साथ लाया जाए, कुछ सीटें देकर उनसे कैसे समझौता किया जाए, तब तक इसका जो वोट कटते हैं फायदा होगा उसका लगातार इसी तरह होता रहेगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करिए, जो लोकसभा चुनाव परिणाम अगर अलग अलग लड़े होते समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो परिणाम कुछ अलग होते। ये जो स्थिति है, अगर कांग्रेस नेता अपने अहम को छोड़कर इस पर विचार नहीं करेंगे कि हम किसके साथ लेकर चलें और कैसा हो, तब तक ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस की जो हालत है वो ऐसी और लगातार कमजोर होती जा रही है। ठीक है, मंजरी जी को इन करते हैं। मंजरी जी, एक बैक सवाल मैं करने से कुछ रोक नहीं पा रहा हूँ। हरियाणा का एक इलाका है मेवात, यानी जहाँ पर 3 सीटें हैं, 2014 से आपको वहाँ एक भी सीट नहीं मिली, वहाँ 70% कहते हैं कि भी मुस्लिम बाहुल इलाका है वो पूरा। ऐसी J&K के भी वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल हैं वो वहाँ भी बीजेपी ने बहुत खराब परफॉर्म किया। तो ये माना जाए कि ये जो खास कौम है ये बहुत नाराज है आपसे। देखिए, जो ये विशेष समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर उनको भरोसा नहीं होता, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी जनकल्याणकारी योजना को देख लीजिए कि हर समुदाय के लोगों ने बराबर से उसमें लाभ लिया है, और कभी भी हमारी सरकार ने ये भेदभाव नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं उनको भटकाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि अभी केदार जी कह रहे थे कि जातियों में और जाति पात की बात कर रहे थे, तो मैं वही यही कहना चाह रहे थे कि जातिगत जनगणना की बात तो आप करते हैं, जाता हूं तक, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, यहीं पर मुझे तीनों मेहमानों का करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये बात सही है जो मृगन जी कह रहे हैं, उसी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा आत्ममनन आत्मचिंतन करने की जरूरत है, और ये भी देखने की जरूरत है कि जिसके जो उनके झंडा बरदार हैं, यानी जिन्होंने ध्वज थाम रखा है, ध्वज वाहक हैं, क्या उनमें ये क्षमता है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सकें, क्योंकि लगातार हार जो है वो कार्यकर्ताओं के कंधे झुका देती है। आज की इस चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब, तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।